Καταρχήν να μακρυνιάζει το βίντεο. पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ ना कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ? ऐसा वो बड़ा अच्छा लगा, और सर्दियों में समंदर का मजा क्यों हो रहा है। और ऐसे ही जो है जगहें बनानी चाहिए हाउस पे, और पैराडाइज को भी इसी तरह लर्निंग देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से स्टूडेंट्स और टीचर्स मनोरा एक पिकनिक मनाने के लिए आए, और बड़ा अच्छा यहाँ के बड़े अच्छे नज़ारे हैं। खाना खा के अभी कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स पानी में जा चुके हैं, और हम इंतज़ार कर रहे हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। हेलो, मिट्टी में कोई पत्थर वत्थर बिल्कुल नहीं है, आराम से आप यहाँ पे आके नंगे पैर घूम सकते हैं। शेर का है कहरमान साहब के लिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नजर आएंगे पानी। लहर में कहरमान यूँ बहे जाते हैं, लहर में कहरमान यूँ बहे जाते हैं, उसके शहर में जैसे हम बोए जाते हैं।
पहुंच चुके हैं बीच, बंदोड़ा बीच, जिसके लिए हमारा रेडमेट था क्योंकि फैमिली पार्टी। आज ये आखिरी पिकनिक जो एक लास्ट सेमेस्टर हमारा गुजर रहा है यूनिवर्सिटी का, शायद बात रही एक मंदिर आपने देखा हो जैसे मुझे, और ये होटल भी आपको लगा रहा है कि देखिए मंदिर था श्री वरुण देव टेम्पल मनोड़ा की कराची में था, जिसको डॉक्टर रमेश कुमार जी फैक्टर जो काउंसिल किया उन्होंने डॉक्टर किया था 2009 में कोविड ऑफ पाकिस्तान। मनोड़ बीच को एक डेवलप करके एक नई सूरत दी गई है, डेस्टिनेशन होटल भी आते थे यहाँ पर, जिससे कि एक इंटरटेनमेंट फ्रांट की जाए वो लोग जो होते थे आ रहे होते थे फैमिली के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद दिखाएँ आपके व्यूअर्स को, देखिए हमारे पाकिस्तान में हमारे कराची में भी अच्छी जगह मौजूद है, बड़ा खूबसूरत मंजर सामने समंदर और स्काई लाइन बहुत जबरदस्त। और मैं यही कहूँगा कि एक मतलब जरूर फैमिली को लेकर और बड़े अच्छे अरेंजमेंट है इस मनोरा बीच पे, आप देखेंगे भी बनाया गया है यहाँ पर। इसके साथ मेन गेट भी आपको दूर से नज़र आएगा और मेन गेट पर लिखा हुआ है वेलकम टू मनोरा। होटल होटल की जो है बुनियादी मकसद है ये कि लोग यहाँ पर नाइट गुजार सकें जो अपनी फैमिली के साथ आते हैं दूर दराज इलाकों से। शायद बात है कि बिल्कुल इदारों की तवज्जो है इस तरफ। आगे बढ़ते देखते हैं कि ये हमारा कारवां कहाँ जाकर रुकता है। आगे हट भी आपको नज़र आएंगे बीच पे, बड़ी तफरी इंटरटेनमेंट है, आप देखेंगे हमारे प्रोफेसर एजाज साहब, ये देखिए इमाम बारगाह है, अलग नज़र आएगा। इमाम बारगाह के नीचे कुछ दुकानें भी हैं, तो हमारे प्रोफेसर एजाज साहब ने हमें दावत दी कि चले पकौड़े खाते हैं, तो हमने कहा क्यों नहीं भाई चले आपके कबूल करो। खूबसूरत एटमोसफेयर है, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत चाहिए कि पहले खाएंगे अभी बहुत खुश है। दो तीन अल्फाज बोले जरा, कैसा लगा आपको आने? माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और यहाँ की मिट्टी वट्टी में कोई फसल वसल बिल्कुल नहीं है, आराम से आप यहाँ पे आके नंगे पैर घूम सकते हैं और रूट भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। आप फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम आ चुका हूँ, ये मेरा पिकनिक पे इन सब के साथ फर्स्ट टाइम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जफर है। जफर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम भी रहे। हमारे प्रोफेसर हमारे साथ हैं, ये बताइए प्रोफेसर साहब कि आपको कैसा लगा यहाँ आना, कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ? अच्छा वो अच्छा लगा, सर्दियों में समंदर का मजा क्यों आ रहा था। ये बात बिल्कुल आपने सही कही, और इससे पहले भी यूनिवर्सिटी की जानिब से यहाँ पर आ चुके हैं? हाँ मैं आते हूँ, ओल्ड और व्यू में फर्क है जरा। साहब
करेंगे गेट? हाँ अच्छा दो लोग बोले बस में तो ये पॉइंट कैसा लगा आपको? वालेकुम सलाम, कैसा लगा आपको पॉइंट? ये हमारा आखिरी पिकनिक है और मनोड़ा पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जगह है कराची के लिहाज से, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा साफ। Thank you.